गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा था वी स्टडीड अबाउट हाउ वी कैन रन अ प्रेजेंटेशन बाय एनी थ्री स्टेप्स एंड हाउ कैन वी प्रिंट अ प्रेजेंटेशन दीज वर द लास्ट टॉपिक्स ऑफ द वीडियो टुडे वी विल स्टडी अबाउट व्यूज Everyone will open page number 41 of their books and today we will learn about topic views. PowerPoint provides various views to view the slides in presentation. हमें अगर अपनी presentation को view करना है तो हमारे पास different views होते हैं देखने के लिए. The most commonly used views are अब जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं व्यूज़ वो क्या है नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं नोट्स पेज व्यू में देख सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू या स्लाइड शो व्यू ये कॉमन व्यूज़ हैं हमारे जिनमें हम अपनी पावर पॉइंट को देख सकते हैं पहला है नॉर्मल व्यू दिस व्यू इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू क्या है हमारी डिफ़ॉल्ट व्यू है मतलब जब अगर हम कोई व्यू नहीं सेलेक्ट करेंगे तो हमारी प्रेजेंटेशन हमें नॉर्मल व्यू में शो होगी वी टाइप एंड डिज़ाइन द स्लाइड ऑन दिस व्यू हम टाइप और डिज़ाइन कहाँ करते हैं अपनी स्लाइड नॉर्मल व्यू में और नॉर्मल व्यू डिवाइड होती है थ्री सेक्शंस में आउटलाइन पेन ऑन द लेफ्ट नोट्स पेन इन द बॉटम And the slide pane at the center of the screen. हमारी क्या है जो normal view है वो divide होती है तीन sections में पहली है outline pane, second है slide pane और third है notepad pane. और जो outline pane होती है उसमें दो tabs होते हैं slide और outline. क्या होते हैं slide और outline. आपके book में normal view के बगल बिल्कुल just along स्क्रीन बनी हुई है हम उसमें देखेंगे आउटलाइन पेन का है आउटलाइन पेन है हमारा ये जो बॉक्स बना हुआ है जिसमें चार स्लाइड शो हो रही हैं ये क्या है हमारा ये है आउटलाइन पेन स्लाइड पेन कहाँ है हमारा स्लाइड पेन सेंटर में है तो स्लाइड पेन ये है हमारा क्या है ये है स्लाइड पेन और नोट पेन्स कहाँ होता है नोट्स पेन बॉटम में होता है आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा है क्लिक टू ऐड नोट्स तो ये क्या है हमारा ये हमारा नोट पेन्स है अब लास्ट लाइन क्या लिखी है आउटलाइन पेन इंक्लूड्स टू टैब्स अब आउटलाइन पेन कहाँ था आउटलाइन पेन ये था और इसमें हमारे दो टैब्स हैं यानी आउटलाइन पेन के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं क्या स्लाइड्स और आउटलाइन आप लोग देख सकते हो इसमें स्लाइड्स और आउटलाइन लिखा है तो ये था हमारा नॉर्मल व्यू मैं एक बार रीडिंग कर रही हूँ सभी बच्चे भी रीडिंग करेंगे मेरे साथ नॉर्मल व्यू दिस व्यू इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू वी टाइप एंड डिज़ाइन द स्लाइड ऑन दिस व्यू दिस व्यू इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस द आउटलाइन पेन ऑन द लेफ्ट The slide pane at the center of the screen and the notes pane at the bottom. The outline pane includes two tabs namely slide tab and outline tab. ये था normal view. Second है slide sorter view. क्या है slide sorter view? Slide sorter displays all the slides on the screen in thumbnail form. जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है वो हमारी स्लाइड्स को थंबनेल फॉर्म में व्यू करता है किस में व्यू करता है थंबनेल फॉर्म में इस व्यू में हम टेक्स्ट और पिक्चर्स ऐड नहीं कर सकते हैं पर अपनी स्लाइड्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं एनिमेशंस दे सकते हैं या तो ट्रांजिशन दे सकते हैं ये व्यू जो होता है ये हमें सॉर्ट करता है कि हमें किस फॉर्मेट में किस वे में अपनी स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज करना है क्या सीक्वेंस देना है तो आइए एक बार बुक में पढ़ते हैं स्लाइड सॉर्टर डिस्प्लेज ऑल द स्लाइड्स ऑन द स्क्रीन इन थंबनेल फॉर्म यू कैन नॉट ऐड टेक्स्ट और पिक्चर्स इन दिस व्यू बट यू कैन ऐड और डिलीट द स्लाइड्स You can also add transitions and animations on the slides. This view also helps you to sort and organize the sequence of your slides as you create your presentation and also for
प्रिंटिंग पर्पस। हम अपनी स्लाइड्स को सॉर्ट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जब प्रेजेंटेशन बनानी है या उनको प्रिंट करनी है। ये थे हमारे दो व्यूज, स्लाइड शो व्यू और नोट्स पेज व्यू। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग नॉर्मल व्यू और स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू को एक्सप्लेन करोगे। आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन, व्हाट इज नॉर्मल व्यू, व्हाट इज स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू, एक्सप्लेन करना है आपको डिटेल में। थैंक यू क्लास।